दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। विपक्षी नेताओं का एक दस्ता वहां पहुंचा है जिसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। इन सांसदों ने किसानों से मुलाकात की, उनकी मुश्किलें जानी और लौटकर इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को रिपोर्ट दी। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अभी ये साफ नहीं हुआ है कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ जगहों पर कील की रिपोजिशनिंग की जाएगी। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीसी के जरिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने की, तो वहीं सीएम गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिवस के अवसर पर मुझे भी आज उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। जैसा अभी बताया गया कि यह विश्वविद्यालय लगभग 9 साल पहले प्रारंभ किया गया था और पूरे देश के अंदर गुजरात राजस्थान में 2 राज्य थे जिन्होंने इस प्रकार से एक नया प्रयास किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुलिस और पुलिसिंग के बारे में एक नई सोच पैदा हो सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे नवाचार हो सकता है उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और आरटीओ 51A का वाचन किया। ये अपना भी संदेश देता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मूल भावना के साथ में संविधान का निर्माण किया और 51A आर्टिकल के माध्यम से एक संदेश दिया, ये अपना में कानून व्यवस्था करार स्थापित हो और संविधान की मूल भावना लोकतंत्र समाजवाद धर्मनिरपेक्षता है, उसके आधार पर पूरे देश और देशवासी एकजुट रहे, एक रहे, देश अखंड रहे, मजबूत बने। उत्तरकाशी में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी मनोज राणा यमुना घाटी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। यूपी के रामपुर दौरे पर प्रियंका गांधी किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई, श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया।